हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्प डेस्क में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। आज की जो अपडेटेड न्यूज इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोग इसी तरह की अपडेटेड न्यूज मिलती रहती है। तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों, आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है, जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया। तो इसमें आप लोग बता दें कि इसमें स्नातक का तृतीय जो मेरिट लिस्ट है उसे जारी कर दिया गया था। और आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ देख सकते हैं कि अपना मेरिट लिस्ट थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था। अब इसमें दिया गया है कि आप लोग को जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, अब कब तक आप लोग का नामांकन होगा, तो आप लोग को बता दें कि 5 अक्टूबर तक इसमें नामांकन होगा। 5 अक्टूबर तक आप लोगों को ऑनलाइन प्रोविजनल एडमिशन करवा लेना है, जिसमें आप लोगों को पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर जाना होगा अपने कॉलेज। इस तरह से आप लोग करना, वही बात करें आप लोगों को जो कैंडिडेट का नहीं अभी तक आया है इसमें इस मेरिट लिस्ट में या फिर नाम नहीं लिखा है, तो उन सभी कैंडिडेट का आप लोग ऑन स्पॉट एडमिशन होगा। उससे पहले आप लोग ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोग ऑन स्पॉट एडमिशन लेना होगा। जो आप लोग बता दें जो ऑनलाइन होगा 9 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक होगी। वही बात करें आप लोग को ऑन स्पॉट एडमिशन जब चलेगी तो आप लोगों को 18 अक्टूबर से लेकर आप लोगों को 25 अक्टूबर तक इसमें ऑनलाइन एडमिशन यानी कि ऑन स्पॉट एडमिशन चलेगी। इस तरह से आप लोग को होने वाली है। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि किस वर्ग के लोगों को कितना परसेंट छूट दी जाएगी, यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद फिर देख सकते हैं नीचे दिया गया है कि आप लोगों को ऑन स्पॉट एडमिशन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी, आप लोगों को 5 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आप लोगों को जो पंजीयन है, यहाँ पर दिया गया है पंजीयन जो है 15 नवंबर तक आप लोगों का हो जाएगा। पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को 15 नवंबर तक कर लिया जाएगा। तो चलिए आज के सेकेंड न्यूज पे, आज के जो सेकेंड न्यूज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है LLM से रिलेटेड है, LLM पार्ट वन की परीक्षा से रिलेटेड है। आप लोग बता दें कि LLM पार्ट वन की परीक्षा इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इसमें जो कैंडिडेट थे सभी कैंडिडेट विरोध कर रहे थे कि परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, जिसके वजह से इसकी जो LLM पार्ट वन की जो परीक्षाएँ हैं उसे स्थगित कर दी गई है। तो आप लोगों का जो LLM पार्ट वन की जो परीक्षा होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है। और अब इसकी परीक्षा कब ली जाएगी इसके बारे में अभी तक सूचना नहीं है। अगर इसकी परीक्षा ली जाएगी तो आप लोग बता दें कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर इस मेंशन कर दिया जाएगा कि कब इसकी एग्जामिनेशन अब होगी। तो चलिए आज के थर्ड न्यूज पे, दोस्तों आज की जो थर्ड न्यूज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पैट से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दिया गया उत्तर पुस्तिका में निशान लगा तो छात्र निष्कासित। सबसे पहले तो आप लोग बता दें कि यहाँ पर जैसा कि दिया गया उत्तर पुस्तिका में अगर निशान लगा तो छात्र निष्कासित, यानी कि इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया पैट की परीक्षा में केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, वहीं छात्र अगर उत्तर पुस्तिका में किसी भी तरह के निशान लगाते हैं तो खुद को निष्कासित समझें। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका जो आप लोगों को मिलेगी उसमें किसी भी प्रकार के अलग टाइप के निशान नहीं होने चाहिए। यहाँ पर दिया गया आगामी 3 अक्टूबर को होने वाली पैट PhD एडमिशन टेस्ट परीक्षा को लेकर गुरुवार को प्रभारी कुलपति के निर्देश के बाद प्रति कुलपति ने जानकारी दी है। यानी कि अगर आप लोग जब पैट की एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसमें जो आंसर शीट है उसमें अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को उसमें अगर कुछ भी लिख देते हैं तो आप लोगों को उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगी, उसकी रिजल्ट नहीं जारी की जाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन उत्तर पुस्तिका रहेगा OMR शीट रहेगी, तो उसमें किसी भी प्रकार के रंगने के बजाय आप रंग सिर्फ सकते हैं, बाकी और उसमें कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रथम पाली परीक्षा परीक्षार्थी को दिनांक 10-15 पर ही केंद्र उपस्थित होना होगा, जबकि OMR शीट से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 11 बजे से परीक्षार्थी उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। दोपहर दिन के 12 बजे OMR शीट जमा ले लिया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों को 1 घंटा का समय दिया जाएगा इसमें एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आज के फोर्थ न्यूज पे, आज की जो फोर्थ न्यूज है LLM से रिलेटेड। जैसा कि हमने बताया कि आप लोग को LLM पार्ट वन की जो परीक्षा है इसलिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आप लोग LLM पार्ट वन के जो भी कैंडिडेट थे जिनका एग्जामिनेशन थी सभी ने इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए कहा आंदोलन कर रहे थे। जैसा कि यहाँ दिया गया है TNB लॉ कॉलेज के LLM पार्ट वन के छात्रों की तिथि बढ़ाने को लेकर गुरुवार को परीक्षा का बहिष्कार किया छात्रों के विद्युत प्रदर्शन और कुलपति प्रो हनुमान प्रसाद पांडे के आसन के बाद परीक्षा को तत्काल स्थगित कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो छात्र एग्जामिनेशन देने वाले थे इन सभी ने इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। चलिए आज के सिक्स्थ न्यूज की, आज की जो सिक्स्थ न्यूज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है
TMBU परीक्षा संघ रिजल्ट भी समय पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो प्रभारी हैं TMBU के प्रभारी कुलपति प्रो हनुमान प्रसाद पांडे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जो परीक्षाएं होगी समय पर होगी और साथ में यहाँ पर जो भी परीक्षाएं साथ में जो भी रिजल्ट होगी समय पर ही की जाएगी। चलिए आज की 7th न्यूज, आज की जो 7th न्यूज जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं MCA थर्ड लिस्ट से संबंधित है। MCA की बात करें तो MCA जैसा कि यहाँ दिया गया है दिनांक 27 सितंबर 2021 के आहूत नामांकन समिति की बैठक के नियमानुसार MCA में थर्ड लिस्ट के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर ऑनर स्पॉट एडमिशन 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक लिया जाएगा। यानी कि यहां पर ऑनर स्पॉट एडमिशन जो है आप लोगों को 4 अक्टूबर तक लिया जाएगा। जो कैंडिडेट लेना चाहते हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज के 8th न्यूज, आज की 8th न्यूज जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया स्नातक कोर्स यानी PG से रिलेटेड है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं दिया गया है कि जिसमें 18 सितंबर 2021 के पूर्व में जो सीटें खाली है इसमें हो सकता है कि आप लोग को एडमिशन की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट की जाए। इसमें बता दें कि PG में बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें अभी भी बहुत सारे सीटें खाली है, तो उस विभाग में अगर आप लोग नामांकन लेना चाहेंगे तो आप लोग को बता दें कि इसमें फिर से हो सकता है ऑनलाइन प्रक्रिया नामांकन की प्रक्रिया चालू की जा सकती है ऑन स्पॉट एडमिशन के तहत। आप लोग ऑन स्पॉट एडमिशन के तहत आप लोग को नामांकन प्रक्रिया चालू की जा सकती है। तो इसका जो निर्णय है 4 अक्टूबर के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका फिर से एडमिशन प्रक्रिया चालू होगी या नहीं। तो इसके बारे में तो चलिए आज की जो अपडेटेड न्यूज़ थी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।